आज का क्वेश्चन ये है कि सांप दूध पीता है कि नहीं पीता है, बताओ क्या सांप दूध पीता है? सांप दूध पीता है नहीं पीता? तो क्वेश्चन ऑफ द डे कि जो स्नेक होता है वो कभी भी दूध नहीं पीता, जो सांप होता है वो कभी भी दूध नहीं पीता, लेकिन सांप दूध नहीं पीता, लेकिन तुम लोग पी लेते हो दूध, तुम दूध पी सकते हो लेकिन सांप दूध नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि सांप के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं होता है, सांप के अंदर बेटा रेनिन एंजाइम नहीं होता, और रेनिन एंजाइम जो होता है आपके शरीर में या जो छोटा सा बच्चा होता है वो दूध पीता है। अब जैसे है ना एक कहावत बना रखी है कि सांप को दूध पिलाया, है ना, अब कहावत ये है, वो कहावत है सांप को दूध पिलाया, सांप दूध नहीं पीता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, उसके अंदर रेनिन एंजाइम नहीं होता है, इसलिए सांप दूध नहीं पीता है। ये रेनिन एंजाइम जो होता है बेटा दूध का पाचन करता है या दूध के पदार्थों का पाचन करता है, मिल्क डाइजेशन करता है। किसी भी बच्चे के अंदर जो काम करता है जब तक वो दूध पीता है रेनिन एंजाइम काम करता है, और अगर रेनिन एंजाइम काम नहीं कर रहा है रेस्ट फॉर्म में है तो ये प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है अगर ये काम नहीं करता, लेकिन ये रेनिन एंजाइम किसी भी सांप के अंदर नहीं होता, इसीलिए अगर आप नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाओगे तो बेटा कुछ दिन बाद इसकी मौत हो जाएगी। उसका कारण यह है कि सांप में दूध का पाचन होता ही नहीं है, इसलिए उसको नूनिया या पेट वेट उसका खराब होता है, सांप मर जाता है। तो ये आज का जो था ये बताने के लिए था कि भाई इनमें भी जान होती है, इनमें भी जीवन होता है, तो सांप को दूध नहीं पिलाया जाता, ठीक है, समझ गए? तो ये है चिंटू। अब जब जब तुम नहीं पढ़ोगे इस चिंटू को सामने ले आएंगे, तुम्हारे अंदर रेनिन एंजाइम होता है, वरना अगर हमारे अंदर रेनिन एंजाइम नहीं होता, ठीक है, तो हम भी ऐसे ही होते, क्लियर है, बोलो हाँ के ना।